बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। नाउ रिसाइट थ्री टाइम्स रब्बी ज़िदनी इल्मा टू इंक्रीज आवर नॉलेज। फ्रेंड्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 24, मैनर्स। फर्स्टली मार्क डेट एंड डे ऑन टॉप ऑफ द पेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आंसर। वी शुड डैश अदर्स। हमें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन इज डिस्टर्ब देम, बी ऑप्शन इज हेल्प देम, सी ऑप्शन इज टीज देम। हमें दूसरों को तंग करना चाहिए, बी ऑप्शन दूसरों की मदद करनी चाहिए, सी ऑप्शन दूसरों को टीज यानी परेशान करना चाहिए। स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, वी शुड डैश शेक हैंड विद समवन हु ग्रीट्स अस। हमें हाथ मिलाना चाहिए किसी के साथ जो हमसे मिलता है। ए ऑप्शन इज़ फैमिली, मजबूती के साथ, बी ऑप्शन इज़ लूजली, आराम से, सी ऑप्शन इज़ नेवर। हमें कभी भी उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव डन इन रीडिंग, वी शुड फैमिली शेक हैंड विद समवन हु ग्रीट्स अस, सो यू विल सर्कल ऑप्शन ए। नंबर थ्री इज, वी शुड कीप द डोर ओपन। हमें दरवाज़ा खुला रखना चाहिए फॉर द पर्सन, किसी शख्स के लिए। डैशेस, ए ऑप्शन इज बिफोर, जो हमसे पीछे आ रहा हो, बी ऑप्शन इज विद, जो हमारे साथ हो, सी ऑप्शन इज आफ्टर, जो हमारे बाद में आ रहा हो। सो वी शुड कीप द डोर ओपन फॉर द पर्सन, डैशेस फॉर द पर्सन आफ्टर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू इज, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद राइट वर्ड्स। स्टूडेंट्स, यू विल चूज राइट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, सॉरी और प्लीज। सो द फर्स्ट पिक्चर स्टूडेंट्स, यू कैन सी, आई थ्रू द गार्बेज ऑन द फ्लोर, आई एम डैश। मैंने ज़मीन पर कूड़ा फेंका है। तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी जगह पे ऐसे फ्लोर पे गार्बेज फेंकते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी। सो यू विल राइट सॉरी इन द ब्लैंक। नेक्स्ट पिक्चर, कैन यू डैश लिफ्ट दिस फॉर मी। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, डैश लिफ्ट दिस फॉर मी, मेरे लिए उठा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में एक जो बॉय है उसने इतनी सारी चीज़ें उठाई हुई हैं, वो दूसरे बॉय को कह रहा है कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरे लिए ये चीज़ें उठाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट प्लीज़ इन द ब्लैंक, कैन यू प्लीज़ लिफ्ट दिस फॉर मी। नेक्स्ट पिक्चर, अ बॉय इज़ हेल्पिंग अनदर बॉय, सो डैश फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए। स्टूडेंट्स, डैश में क्या आएगा, सॉरी, प्लीज़ या थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। यू विल राइट थैंक यू इन द ब्लैंक, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इन द नेक्स्ट पिक्चर, अदर बॉय, सो डैश फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए। स्टूडेंट्स, डैश में क्या आएगा, सॉरी, प्लीज़ या थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। यू विल राइट थैंक यू इन द ब्लैंक, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इन द नेक्स्ट पिक्चर, आई एम डैश इफ़ आई हर्ट यू, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। स्टूडेंट्स, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं या आप किसी को हर्ट करते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे सॉरी बोलते हैं। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 26, मार्क डेट एंड डे हेयर ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, What would you do if you see? आप क्या करेंगे अगर आप देखेंगे any blind person, किसी ऐसे शख्स को जो कि blind यानी अंधे हों, trying to cross a road, और वो कोशिश कर रहे हों road यानी सड़क पार करने की। So students, obviously you will help him. Now you will write the answer. I would help him. मैं उसकी मदद करूँगा to cross the road, road यानी सड़क पार करने। Next question is, color the classroom rules that you follow in the class. Students, नीचे आपको options दी हुई हैं, आपने सिर्फ उन options में color करना है जो आप classroom में rules follow करते हैं। Listen carefully and follow instructions. Listen carefully, ध्यान से सुने, and follow instructions, और उन चीज़ों पर, उन हदायात पर अमल करें जो आपको टीचर या आपके फ्रेंड्स कोई भी अच्छे आते हैं आपको सिखाना चाह रहे हो। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, यू विल कलर इट। डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इज इट राइट? नो, इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, यू विल नॉट कलर इट। नेक्स्ट वन इज़, रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग। आपने टीचर से कोई भी बात पूछनी है तो स्टूडेंट्स, आपको बात पूछने से पहले अपना हैंड रेज करना होता है स्टूडेंट्स। सो इट इज़ अ राइट ऑप्शन, यू विल कलर इट ऑल्सो। वर्क एज टीम विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स यानी अपने क्लास फेलोज के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ टीम बनाकर आपको काम करना चाहिए। इज़ इट राइट? यस, इट इज़ अ राइट ऑप्शन, यू विल कलर इट ऑल्सो।
द लास्ट वन इज डू नॉट शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स. इज इट राइट? इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. नाउ डू योर वर्क नीटली. स्टे ब्लेस्ड. अस्सलाम वालेकुम.